तो बूढ़े आदमी ने जब दरवाज़ा खोला तो उसने हैरी ने बोला, उसने पूछा उस बूढ़े आदमी ने कि क्या तुमने घंटी बजाई, मैं टावर देखना चाहती हूँ। हैदी ने जवाब दिया, ठीक है मेरे साथ आओ। दोनों लोग कई सीढ़ियों के कई चीढ़ चढ़ करके ऊपर गए और बूढ़े आदमी ने हैदी को खुले खिड़की से ऊपर दिखाया, उठा करके गोद में उठा कर दिखाया। उसने वहाँ उसने सिर्फ चिमनियाँ देखीं, छत पर छतें देखीं और टावर देखे, उसका दिल डूब गया, निराश हो गया मन। ओ डियर, अरे ये तो सिर्फ मैंने जैसा सोचा था उसे बिल्कुल ही अलग है ये। और वापस ऊपर से नीचे आते वक्त उन लोग वे लोग उनको एक अटीक दिखा, अटीक घर में ऐसी छत के ऊपर वाले हिस्से को अटीक बोलते हैं, जहाँ सामान वगैरह रखने के लिए यूज़ होता है। हमारे यहाँ नहीं बनता है, यूरोप में पहले बनता था, है ना, लकड़ी के घरों में इस तरह से अटीक बनता था, सामान वगैरह रखने के लिए यूज़ आता था, ठीक है। तो वो लोग उससे होकर ऊपर से नीचे आ रहे थे, दिखाई दिया वो अटीक, तो वहाँ पर बिल्ली ने बच्चा दिया था। वहाँ ग्रे कलर की एक छोटी सी बिल्ली थी और बास्केट में अपने बच्चों की रक्षा कर रही थी। तो उसने बोला, अरे कितने प्यारे बच्चे हैं बिल्ली के। तो उसने पूछा उस बूढ़े आदमी ने कि वुड यू लाइक टू हैव वन, क्या तुमको एक चाहिए, पसंद करोगी। तो हैदी ने पूछा, रखने के लिए? बोला हाँ बिल्कुल। द ओल्ड मैन सेड ग्लैड टू फाइंड अ गुड होम फॉर द किटन्स। तो उसने सोचा कि खुश हुआ कि वो बूढ़ा आदमी की उस बिल्ली के बच्चों को अच्छा घर मिल जाएगा। हाउ हैप्पी हैदी वॉज, कितनी खुश थी हैदी। बूढ़े आदमी ने एक एक उसके एक एक जेब में डाल दिया एक एक बिल्ली को, और वो खुशी खुशी सीढ़ियों से नीचे टावर से उतर गई। लड़का उसका वही सीढ़ियों से नीचे इंतज़ार कर रहा था। हैदी ने उसको मिस्टर सेसमैन का घर बताया कि इधर है उधर है, रास्ता बता दिया। और जल्दी ही उसने शी फाउंड हरसेल्फ, उसने वहाँ तक रास्ता ढूंढ लिया। उसने घंटी बजाई, घंटी डोरबेल खींचा, पहले तो बिजली नहीं थी ना उस ज़माने में, बिजली का वो नहीं चलता था। सेबेस्टियन ने जब दरवाज़ा खोला तो उसने बोला, जल्दी करो, मिस रॉटनमायर बहुत गुस्सा है। हैदी अंदर गई, वहाँ चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गई, जैसा कि तस्वीर में आप देख सकते हैं। मिस रॉटनमायर गंभीर होकर शुरू हो गई, तुम ऐसे बिना बताए घर कैसे छोड़ सकती हो, कितनी लापरवाही है बताओ। तो तब तक म्याऊं आवाज़ आई उसके जेब में से, तो उसने और गुस्सा हो गई, वो चिल्लाने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक बनाने की। तो हैदी ने बोला, मैंने नहीं किया। फिर से आवाज़ आई, म्याऊं। सेबेस्टियन मतलब लगभग वो टेबल पर गिरा ही दिया था बर्तन, वो गायब हो गया, भाग गया वो। तो रॉटनमायर बोलती है, मिस रॉटनमायर बहुत हो गया, इनाफ। अब उनका गुस्से से एकदम भर गई वो, है ना, बोले उठो जाओ यहाँ कमरे से जाओ। हैदी उठी और बोली कि मैंने म्याऊं म्याऊं नहीं किया, ऐसा बोलना चाहती थी वो। तो क्लैरा ने कहा, हैदी तुम क्यों म्याऊं कर रही है जब देख रही हो कि तुम मिस रॉटनमायर इतने गुस्सा में हैं। तो मैंने ये नहीं किया, ये बिल्ली के बच्चे हैं। तो मिस रॉटनमायर चिल्लाई, अरे क्या बिल्ली के बच्चे, सेबेस्टियन इन भयानक चीज़ों को हटाओ यहाँ से जल्दी। और उसके साथ वो अपने आप को स्टडी रूम में ले जाकर लॉक कर दिया, क्योंकि वो बिल्लियों से बहुत डरती थी। अब सेबेस्टियन ने सब हंसना बंद कर दिया, वो कमरे में आया, क्लैरा और हैदी चुपचाप मैं खुशी खुशी बिल्ली के बच्चों के साथ खेल रहे थे। सेबेस्टियन ने वादा किया कि वो बिल्ली के बच्चों की देखभाल करेगा, उनके लिए बास्केट में एक बेड बना देगा। और बच्चे लोग खुशी खुशी सोने के लिए चले गए। उन लोगों ने सोचा कि चलो बिल्ली के बच्चों को एक आरामदायक बिस्तर मिल गया। ठीक है, यहाँ यह कहानी ख़त्म हो जाती है।